मॉर्निंग सिक्स क्लास, टुडे आर टॉपिक इज़ कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, चैप्टर वन, पेज नंबर 11. ओके, तो कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं उसको हमें टाइप्स बतानी है, उसकी कैटेगरीज बतानी है. ठीक है, द कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी क्लासीफाइड इंटू फोर कैटेगरीज. इसको हमने फोर कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन को हमने मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, सेकंड को असेंबली लैंग्वेज, थर्ड को हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ को मॉडर्न लैंग्वेज. ओके, फर्स्ट वन इज़ मशीन लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. मतलब ये जो हमारी कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, जो उनकी एक्चुअल लैंग्वेज होती है, जिसे वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है. बाइनरी फॉर्म मतलब, बाइनरी मतलब टू डिजिट्स की फॉर्म में होती है, ज़ीरो एंड वन. जो कंप्यूटर है वो दो ही डिजिट्स को अंडरस्टैंड कर पाता है, ज़ीरो एंड वन. ठीक है, इसको हम मशीन लैंग्वेज समझते हैं. इट हैज़ एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन. इससे हमें वेरी हाई स्पीड एंड लो लेवल, लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, इससे मेमोरी का जो है बहुत ही लो लेवल पर यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है. हम अगर कंप्यूटर पे कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं ए बी सी डी, वो हमारे लिए ए बी सी डी ईजी है, बट कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है जीरो और वन की फॉर्म में, तो हम इसे नहीं समझ सकते. ठीक है, इसलिए इसको ट्रिपल एल भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज. ओके, सेकंड वन इज़ सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज. सेकेंड, द लैंग्वेज यूजेज न्यूमेरिक कोड्स और सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ जीरो एंड वन. जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है ना, वो जीरो और वन के प्लेस पर न्यूमेरिक कोड्स और सिम्बल्स को ही समझ पाती है. इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशंस वेयर डाटा द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, वो ये नहीं याद रखती कि हमारा डाटा कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा, वो सिर्फ ये देखती हैं कि उनके पास कुछ कोड्स होते हैं और कुछ सिंबल होते हैं, उसी को याद रखते हैं. ठीक है, द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, ये तो हमें पता ही है. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड इज़ डन बाय प्रोग्राम नोन एज असेंबलर्स. मतलब जो कि उस कोड को उस प्रोग्राम में, इस लैंग्वेज में चेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं, जो उसका ट्रांसलेट करते हैं. असेंबलर्स जो होते हैं ना, वो ट्रांसलेशन करते हैं. ठीक है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज. अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाई ह्यूमन्स, इसे ह्यूमन्स जो है ईजिली समझ सकते हैं. ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं होती. ठीक है, एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वी बी सिक्स आर सम ऑफ वेरी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज. ये बहुत ही पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. ठीक है, पेज नंबर 12. ठीक है, पेज नंबर 12 निकालना है अब आपने. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, लास्ट. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्लोज़र टू इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, उसके बहुत ही क्लोज होती हैं. 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोस्टली यूज टू एक्सेस डाटाबेस. ये डाटाबेस को क्रिएट करने के काम आती है. द यूज़र हैज़ टू जस्ट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट विदाउट बोदरिंग अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट. अ लॉजिकल एग्जाम्पल ऑफ 4GL कमांड, देखो 4GL कमांड का एक एग्जाम्पल देखो, लिस्ट ऑल द फील्ड फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल. एक हमने टेबल बनाई है एम्प्लॉय की, जिसमें नाम क्या है एम्प्लॉय का, रवि कुमार. ठीक है, तो ये इंग्लिश में है सारा, तो ये हमारी मॉडर्न लैंग्वेज है, इसे ह्यूमन भी इजीली समझ सकते हैं. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस. ये हाई यूज़र फ्रेंडली होती हैं, इसे हम सब समझ सकते हैं. इसकी स्पीड भी हाई होती है, इसमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है SQL. SQL होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है. ये तो हो गया हमारे पास कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस. अब हमारे पास टॉपिक आता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. ठीक है, फर्स्ट है कि प्रोग्राम होता क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम. अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंगेज इन लॉजिकल सीक्वेंस विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. जो प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं जो लॉजिकली होती हैं. ठीक है, वो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है. एज वी नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, हमें पता है कि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. सो वेन वी टाइप प्रोग्राम्स इन द लैंग्वेजेस अदर देन मशीन लैंग्वेज, दैट वी नीड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम. अब हमें कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज में समझाना है, मशीन लैंग्वेज में समझाना है, लेकिन हम तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, तो हमें क्या करता है कि जो हमारी लैंग्वेज को जो है कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो कन्वर्ट कर देता है उसको कोड में. मतलब हमारी लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम असेंबलर्स बोलते हैं. ठीक है, ट्रांसलेटर्स. तो ट्रांसलेटर का जो फर्स्ट ट्रांसलेटर है वो है असेंबलर.
असेंबलर क्या काम करता है? असेंबलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। देखो जैसे ये है असेंबली लैंग्वेज, 20 में असेंबलर आया, उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है कंपाइलर, कंपाइल करता है। इट इज़ अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता था, ये हाई लेवल की लैंग्वेज को, जो हमारी लेवल लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ पाए। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम, वो एक ही बारी में सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे हमारी का कोई गलती होती है तो वो एक ही बारी गलती बता देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है इसमें। तो देखो HLL लैंग्वेज, कंपाइलर, मशीन लैंग्वेज। अब देखो इंटरप्रेटर क्या काम करता है। इंटरप्रेटर, इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज वन लाइन एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही लाइन को ट्रांसलेट कर सकता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, वो पूरा का पूरे में कर सकता था, ये सिर्फ एक लाइन को करता है, एक एक लाइन करके। When an एक्कर इज़ encountered, जैसी कोई मतलब एरर आ जाती है, ठीक है, वो अपना प्रोग्राम को ख़त्म कर देता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर प्रेफर्ड फॉर बिगिनर्स एंड स्लो इन एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन में भी स्लो होते हैं। और ये किसको यूज़ करना चाहिए? जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रामिंग में शुरुआत कर रहे हैं ना, इंटरप्रेटर, वो उसके लिए होता है। तो अब ये डायग्राम देखोगे ना आप समझ जाओगे। हाई लेवल को एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर लगा हुआ है। ठीक है, अब एक दिया हुआ एरर, अगर एरर आ रही है यस तो हम प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे, अगर एरर नहीं आ रही तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह हमारा जो सिस्टम है, हमारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो ये था हमारे पास लैंग्वेजेस। सो चैप्टर इज़ कंप्लीट क्लास। ये जो ग्लोसरी है, एक बार ये वन लाइन आंसर्स हैं, एक बार ये पढ़ लेना हमने क्या क्या करा, ये सारा हमें एक ही बारी में दिया हुआ है। आई हैव लर्नड, हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया ये कर लेना। ठीक है, तो आपको आपके जो सॉल्यूशंस है आपको ये ट्राई करनी है। बैक एक्सरसाइज अपने आप करके देखोगे, इसके फिलअप्स हो गए या जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, तो आप इसको अपने आप करके देखोगे। क्वेश्चन आंसर्स के जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बता दूँगी। ओके क्लास, सो ट्राई टू फाइंड बी एक्स। ओके, थैंक यू।